एकदम लाल लाल सी जलेबी है। क्या क्या डालते हैं? ओनली मैदा। काफ़ी छोटा साइज रहता है यहाँ जलेबी। जलेबी एक सस्ता आइटम है। अच्छा, अन्य मिठाई से सस्ता आइटम है, देख खाने में अच्छा लगता है। इसमें तो ओनली मैदा होता है। सिर्फ मैदा होता है। सास में होगा, चीनी हो गया जी जी, इलायची हो गया जी, और वही थोड़ा हल्का सा घी डालना है। देख सकते हैं पूरा चाशनी में डुबो दिए हैं जलेबी को, और कलर एकदम से चेंज हो चुका है। तो ये जलेबी जो है ना जी, छोटा भी है और टेस्टी भी है। जलेबी का रंगत काफ़ी चेंज हो चुका है, एकदम लाल लाल सी जलेबी है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं अररिया शहर के राजस्थानी जलेबी स्टॉल पर। लोकेशन की बात करें तो मैं अभी खड़ा हूं अररिया बस स्टैंड के रानीगंज चौक पर, जहां पर आपको बाजार में मिलने वाली जलेबियों से काफी अलग तरह का जलेबी देखने को मिल जाएगा, जिसका साइज तो छोटा होता है पर खाने में काफी जायकेदार होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते स्टॉल पर और दिखलाते हैं यहाँ की जलेबी को किस तरीके से तैयार किया जाता है और क्या प्राइस होने वाला है। क्या क्या डालकर तैयार करते हैं इसको? इसको वैसे मैदा डालते हैं, रात को मिलाना पड़ता है इसको। रात में ही तैयार करके छोड़ देते हैं थोड़ा रात में। जलेबी बना रहे हैं? राजस्थानी जलेबी। कभी राजस्थानी जलेबी कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? इसको बनने में बस 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट लग जाएगा। खमीरी राजस्थानी जलेबी बन रही है, और पूरा प्रोसेस दिखलाते हैं किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है। काफ़ी छोटा छोटा पीस बनाया जाता है यहाँ पर जलेबी। कितना पीस चढ़ जाता होगा 250 ग्राम में? 250 ग्राम भैया 22 पीस चल जाता है। देख सकते हैं अब ये चाशनी में जा रहा है, जलेबी तैयार हो चुका है। किस चीज़ का चाशनी होता है भैया? चीनी। चीनी का होता है। चीनी के चाशनी में भैया जलेबी को डाल रहे कलर देख सकते हैं पूरा चाशनी में डुबो दिए हैं जलेबी को, और कलर एकदम से चेंज हो चुका है। काफ़ी छोटा होता है साइज़ में, काफ़ी छोटा होता है जलेबी। पूरी तरह से डुबाने के बाद निकाल दिया जाता है। देख सकते हैं कलर जलेबी का रंगत काफ़ी चेंज हो चुका है, एकदम लाल लाल सी जलेबी है राजस्थानी। क्या नाम है आपका? मुकेश भैया। अच्छा, क्या क्या खिलाते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे क्या जानते भैया, ये पूरे बिहार में हर जगह दुकान है। अच्छा, कौन सा जलेबी कौन सा बोलते हैं इसको? इसको खमीर जलेबी बोलते हैं। खमीर जलेबी कहाँ की है ये? ये राजस्थानी। राजस्थानी। कितने दिनों से लगा रहे हैं यहाँ पर स्टॉल? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। क्या मिलाते हैं खमीर जलेबी में, ऐसा क्या खासियत रहता है जो कि जलेबी का टेस्ट एकदम ही चेंज हो जाता है? भाई रात को मिलाते हैं वो टेस्ट हो जाता है। मैं नहीं है, रसा होता है, रसा थोड़ा हल्का मीडियम रखना पड़ता है। क्या क्या जैसे मैदा और क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें तो ऑनली मैदा होता है। सिर्फ मैदा होता है। सास में होगा, चीनी हो गया जी जी, इलायची हो गया जी, और वही थोड़ा हल्का सा घी डालना है। अच्छा, क्या प्राइस रहेगा आपका? इसका हो गया भैया 40 रुपये पाव है, 160 किलो। 40 रुपया पाव? अच्छा, और केजी? 160। वैसे टाइम क्या रहता है आपका? टाइम भैया दोपहर के 2 बजे से रात को 9:30 तक। अच्छा, क्या एड्रेस क्या रहेगा आपके स्टॉल का? एड्रेस यही बस स्टैंड। बस स्टैंड अररिया बस स्टैंड। ठीक है, आरे, 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 आरे।
एकदम लाल लाल सी जलेबी है। क्या क्या डालते हैं? ओनली मैदा। काफी छोटा साइज रहता है यहाँ जलेबी। मैदा ही रहता है। चीनी वगैरह तो डालते हैं? चीनी उसमें डालते हैं। अच्छा, ग्रेवी में होता है? हाँ, ये ओनली मैदा। ये ओनली मैदा होता है। कितने देर में तैयार होते हैं भैया? जलेबी भैया 9-10 मिनट में। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग राजस्थानी जलेबी का मजा ले रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या टेस्ट होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार, पिपरा बाजार डिस्ट्रिक्ट सुपौल। अच्छा, क्या खा रहे हैं? जलेबी खा रहे हैं? क्या जलेबी खा रहे हैं? टेस्ट कैसा होता है कुछ बताएं? अच्छा जी, बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा टेस्ट है। छोटा पीस है। मार्केट में बहुत सारा जलेबी मिलता है, उससे अच्छा है। इस जलेबी में उस जलेबी में क्या फर्क है आपको मिल रहा है? तो ये जलेबी जो है ना जी, छोटा भी है और टेस्टी भी है। टेस्टी भी है। और थोड़ा खट्टा रहता है? थोड़ा खट्टा रहता है। मैदा जो है ना तो थोड़ा ज़्यादा देर से बनाता है। जी जी जी, इसलिए खट्टा लगता है। अच्छा, कितने दिनों से खा रहे हैं आप यहाँ पर? वैसे बहुत दिन से खाते हैं। जलेबी का हमारा स्टॉल खुला है तब से खा रहे हैं। हाँ। अच्छा, जलेबी एक सस्ता आइटम है। अच्छा, अन्य मिठाई से सस्ता आइटम है, देख खाने में अच्छा लगता है। मीठा ज़्यादा है या फिर और कुछ है? ज़्यादा मीठा नहीं है, मीठा कम है ना? मीठा कम। मार्केट से जो मिलने वाला जलेबी है उससे थोड़ा मीठा कम रहता है। हाँ।